कोरे गुडे के लिए ध्यान। आप अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करके या किसी भी अन्य विधि से अपने शरीर, मन और भावनाओं को शिथिल कीजिए। अपने इस ध्यान का उद्देश्य निर्धारित कीजिए कि ये माध्यम है जो कोरे गुडे की ईश्वरी सुरक्षा और उपचार ला रहा और उसका मिशन शांति पूर्वक हो सके और सारी नकारात्मक हस्तक्षेप से मुक्त हो। कल्पना कीजिए एक प्रकाश स्तंभ की जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन से निकल रहा है और वो सौर मंडल के सभी प्रकाश जीवों में जा रहा। और ये आपके सोल स्टार चक्रा एवं आपके शरीर से होते हुए पृथ्वी के मध्य भाग तक जा रहा है। एक और प्रकाश स्तंभ की कल्पना कीजिए जो गाया के मध्य भाग से निकलकर आपके शरीर से होते हुए आकाश की ओर जाकर हमारे सौर मंडल एवं हमारी गैलेक्सी के सभी प्रकाश जीवों में जा रहा है। आप दोनों प्रकाश स्तंभों के आधार हैं, जिससे प्रकाश ऊपर की ओर और नीचे की ओर
साथ साथ प्रवाहित हो रही है। इन प्रकाश स्तंभों को कुछ मिनटों तक सक्रिय बनाए रखिए। कल्पना कीजिए कि चमकदार सफेद प्रकाश भंवर कोरे के आई एम प्रेजेंस से उसके सोल चक्रा में नीचे जा रहा है। कल्पना कीजिए कि ये सफेद प्रकाश नीचे की ओर उसके पूरे शरीर और ऑरा में बरस रही है। ईश्वरी उपचारक प्रकाश को कोरे के पूरे शरीर को स्वस्थ करते देखिए। उसके शारीरिक, मानसिक, कारण, भावनात्मक, एस्ट्रल और एथरिक शरीर को सभी समय, डायमेंशन, स्थान और वास्तविकता के पार। उस प्रकाश को चमकदार और चमकदार होते हुए देखिए और कल्पना कीजिए कि कोरे संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। कल्पना कीजिए कि कोरे शक्तिशाली और शुभ चिंतकों गाइड की टीम से घिरा हुआ है जो उसके साथ खड़े हैं और उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। जैसे वो खुशी से और आसानी से अपना मिशन पूरा कर रहा है। Thank you.
कल्पना कीजिए कि एक शक्तिशाली गोल्डन कवच कोरे की ऑरा को घेरे हुए है। सफेद प्रकाश किरणों के गिरने से ये कवच और बड़ा और शक्तिशाली हो रहा है। उद्देश्य निर्धारित कीजिए कि इसी समय से ये कवच स्थायी रूप से बना रहेगा जो नकारात्मकता हस्तक्षेप से उसकी रक्षा करेगा। कल्पना कीजिए कि कोरे संपूर्ण रूप से आनंद में है। प्रकाश की जीत हो।